अस्सलाम वालेकुम आई एम प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने आपके लेक्चर नंबर वन में यूनिट नंबर नाइन डिस्कस करना है जो कि डील करता है आपके सेकेंड के चैप्टर नंबर ट्वेल्व को यानी इलेक्ट्रोस्टैक्टिक्स को तो आइए अपना काम शुरू करते हैं जैसा कि आपने रूटीन की क्लासेस में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच डिस्कस अबाउट स्टेशनरी चार्जेस ये फिजिक्स की वो ब्रांच है कि जिसमें हम स्टेशनरी चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं इसलिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ वो चार्ज का ही है आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे चार्ज की डेफिनेशन लिख दी हुई है इट इज द इंटरेंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट और रिपेल्स मैटर इलेक्ट्रोक ये किसी भी जिसम पे अपीयर होने वाली वो प्रॉपर्टी है कि जिसके तहत एक मैटर दूसरे मैटर को या तो अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है या रिपेल करना शुरू कर देता है इसका मतलब याद रखिएगा कि चार्ज अपीयर होने के लिए किसी जिसम किसी मैटर का होना जरूरी है यानी चार्ज हमेशा किसी मैटर पे ही अपीयर होता है अट्रैक्शन और रिपर्शन हमें दो बातें बताती हैं कि चार्ज की दो टाइप्स होती हैं पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज दो पॉजिटिव चार्जेस या दो नेगेटिव चार्जेस यानी सिमिलर चार्जेस हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे रिपेल करेंगे और एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज यानी ऑपोजिट चार्जेस हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे सवाल ये पैदा होता है कि किसी भी जिसम पे चार्ज कैसे अपेयर हो सकता है तो इसके बहुत सारे तरीके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, इंडक्शन और रबिंग। फॉर जब आप दो चीजों को आपस में रब करते हैं रगड़ते हैं तो एक चीज इलेक्ट्रॉन लूज करती है दूसरी चीज इलेक्ट्रॉन गेन करती है जो चीज इलेक्ट्रॉन लूज कर रही होगी उस पर पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा और जो चीज इलेक्ट्रॉन गेन कर रही होगी उस पर नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा यानी चार्ज आने की वजह मेजॉरिटी केसेस में इलेक्ट्रॉन्स का और लूज करना है चार्ज का सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट कोलम होता है कि जो एम्पियर सेकंड भी लिखा जा सकता है अगर आप चैप्टर uh, थर्टीन का फॉर्मूला रिकॉल करें क्यों इक्वल्स आई इसी कॉन्सेप्ट में अगली बात जो हम लोगों ने देखनी है वो अगर आपको याद हो तो इसी चैप्टर में आपने पढ़ा था मिली कैन ने साबित की थी मिली कैन ने क्या साबित किया था कि किसी भी जिसम पे कम से कम चार्ज कितना होता है टू माइनस नाइनटीन कोलम जो कि बाय द वे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की अमाउंट होती है अगर चार्ज की अमाउंट किसी भी जिसम पे इससे ज्यादा होगी तो या इस अमाउंट से डबल होगी या इस अमाउंट से ट्रिपल होगी एंड सो ऑन यानी किसी भी जिसम पे चार्ज कितना हो सकता है 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू पावर माइनस नाइनटीन कोलम या इसका डबल यानी 3.2 पॉइंट टू इंटू पावर माइनस नाइनटीन कोलम या इसका ट्रिपल यानी 4.8 पॉइंट एट इंटू पावर माइनस नाइनटीन कोलम एंड सो ऑन यानी मैं इन सारी डिस्कशन के लिए एक जनरलाइज्ड रिजल्ट भी लिख सकता हूं दैट इज क्यू इक्वल्स जबकि ई e क्या है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की अमाउंट यानी 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन एस टू माइनस नाइनटीन कोलम और एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसका मतलब मैं इसको यूं भी बोल सकता हूं कि चार्ज इज ऑलवेज इंटेगरल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्वांटा का मतलब डिस्क्रीट या इंटेग्रल वैल्यूज को कहते हैं वन टू थ्री एंड ऑन जैसा भी मैंने आपके सामने डिस्कस किया इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक कोलम लॉ कोई से दो स्टेशनरी या पॉइंट चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपर्शन अब सवाल पैदा होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब लगेगी जब ऑपोजिट चार्जेस होंगे और फोर्स ऑफ रिपर्शन कब लगेगी जब सिमिलर चार्जेस होंगे तो मैं हाथ से मैं इस पर तफसी बहस कर चुका हूं तो मैं फिर शुरू करता हूं कोई से दो पॉइंट एंड स्टेशनरी चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपलशन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और उनके दरम्यांग डिस्टेंस के स्क्वेयर के इनवर्सिटी प्रोपोर्शनल होती है यानी अगर मेरे पास ये दो चार्जेस हैं क्यू वन और क्यो टू जिनके दरम्यान डिस्टेंस क्या है आर तो इन दोनों चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपर्शन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट यानी क्यो वन क्यो टू के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और उनके दरमियान डिस्टेंस यानी आर के स्क्वेयर के इनवर्स प्रोपोर्शनल होगी यही वजह है कि कोलम्स लॉ को इनवर्स स्क्वे लॉ भी कहा जाता है क्योंकि कोलम फोर्स किस पे डिपेंड करती है डिस्टेंस के स्क्र पे इनवर्सली डिपेंड करती है प्रोपोर्शनिटी साइन इक्वालिटी साइन से रिप्लेस होता है साथ में कॉन्स्टेंट क्या आता है वन कूलम और, और दोनों चार्जेस के दर डिस्टेंस कितना हो जाए वन मीटर तो फिर यहां पे क्यों वन की जगह क्या आ जाएगा वन क्यों टू की जगह क्या आ जाएगा वन आर की जगह क्या आ जाएगा वन तो कूलम कॉन्स्टेंट इज एक्चुअली कूलम फोर्स सो कोलम कॉन्स्टेंट इज बेसिकली द कोलम फोर्स बिटवीन टू वन कोलम चार्जेस सेपरेटेड बाय वन मीटर कोलम कॉन्स्टेंट की वैल्यू वन ओवर फोर पाई एप्सेंट नॉट होती है और अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो यह नाइन इंटू टेन इस नाइन न्यूटन मीटर स्कोर पर कोलम स्क्र के बराबर होती है और कोलम कॉन्स्टेंट की वैल्यू आपने अपनी रूटीन की क्लासेस में पढ़ा होगा कि दो बातों पर डिपेंड करती है कि आपने सिस्टम कौन सा लिया हुआ है आप कौन से यूनिट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और दोनों चार्जेस के दरमियान मीडियम कौन सा है तो पहली बात तो समझ आती भी है कि अगर यूनिट मीटर की बजाय सेंटीमीटर हो जाए न्यूटन की बजाय डाइंस हो जाए यानी अगर आप यूनिट चेंज कर दें तो कोलम कांस्टेंट की वैल्यू भी तब्दील हो जाएगी चेंज हो जाएगी कोलम कांस्टेंट दोनों चार्जेस के दरमियान मीडियम पे कैसे डिपेंड करता है ये इस आर्टिकल के लास्ट में हम देखेंगे इस फॉर्मुला में जो मैंने कोलम कॉन्स्ट्रेंट का फॉर्मुला यहां पे लिखा हुआ है के इक्वल वन ओवर फोर पाई एप्सर नॉट इसमेंट कहलाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस परमिटिविटी का लफसी मतलब होता है परमिशन यानी इजाजत या एबिलिटी किसकी एबिलिटी चार्ज की एबिलिटी किस बात की फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करने की तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की भी डेफिनेशन यहां पे सामने आ जाती है इट इज एबिलिटी ऑफ अ चार्ज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री स्पेस इसकी वैल्यू 8.85 पॉइंट एट फाइव इन टू टेन एस टू पार माइनस ट्वेल्व कोलम स्क्वेयर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर के बराबर होती है और आप देख सकते हैं कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यानी एप्स नॉट के यूनिट कोलम कांस्टेंट से इनवर्स आपको दिखाई दे रहे हैं इस आर्टिकल का दूसरा पोर्शन अगेन हमने बहुत ज्यादा प्रूफ की बहस में नहीं जाना चूँकि प्रूफ आपने अपनी रूटीन की क्लासेस में दिया हुआ है वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉ जिसके मुताबिक अगर मेरे पास ये दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, और इनके दरम्यान फासला क्या है आर है तो ये दोनों चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होंगे अगर ये दोनों सिमिलर चार्जेस हैं से पॉजिटिव तो क्यों वन क्यों टू पर फोर्स लगा रहा होगा क्यों टू क्या वन पे फोर्स लगा रहा होगा तो अकॉर्डिंग टू वेक्टर फॉर्म ऑफ कोलम लॉ दोनों चार्जेस की एक दूसरे पे लगाएगी फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट होगी जैसे कि आपको यहां पे लिखा दिखाई भी देगा कि एक चार्ज की दूसरे चार्ज पे लगाएगी फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट है दूसरे चार्ज की पहले चार्ज पे लगाएगी फोर्स के यानी अगर पहला चार्ज दूसरे चार्ज पे टू न्यूटन की फोर्स लगा रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग तो दूसरा चार्ज पहले चार्ज पर टू न्यूटन की ही फोर्स लगा रहा होगा लेकिन माइनस एक्स के अलॉन्ग तो इसका मतलब कोलम फोर्स म्यूचुअल होती है यानी दोनों से एक दूसरे पे एंड, फोर्स लगा रहे होंगे लेकिन आपने इसमें एक बात याद रखनी है कि अगर ये वेक्टर साइन यहां से रिमूव होगा अगर ये वेक्टर साइन आप हटा देते हैं तो फिर एफ एफ टू वन इज इक्वल टू एफ वन टू तो माइनस साइन आपकी कैलकुलेशन से गायब हो जाएगा क्योंकि वेक्टर फॉर्म हटाने का मतलब बड़ा सिंपल सा है कि अब आप सिर्फ क्या कंसिडर कर रहे हैं मैग्नीच्यूड एंड मैग्नीच्यूड कैन नेवर बी नेगेटिव क्वांटिटी और वैसे भी जैसे कि मैंने को दो या तीन दफा आपको बताया कि दोनों चार्जिस की एक दूसरे पर लगाएगी फोर्सेस के मैग्नीट्यूड बिल्कुल क्या हैं सेम जैसा कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि कोलम कांस्टेंट की वैल्यू दोनों चार्जेस के दरमियान मीडियम पे भी डिपेंड करती है इसका मतलब अगर दोनों चार्जेस के दरमियान मीडियम चेंज होगा तो कोलम कांस्टेंट भी चेंज होगा सिर्फ कोलम कांस्टेंट नहीं चेंज होगा बल्कि कोलम फोर्स भी चेंज हो जाएगी फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो चार्जेस हैं एंड है Q1 Q2, उनके दरमियान वैक्यूम था यानी कुछ भी नहीं था तो उनके दरम्यान फोर्स क्या होगी एफ वैक्यूम इक्वल्स फोर्स एब्सोल्युटली नथिंग बिटवीन द टू चार्जेस अचानक आपने क्या किया आप दोनों चार्जेस के दरमियान क्या लेके गए एक मीडियम लेके गए तो एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन फाउंड कि जब भी दो चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम आता है तो कोलम फोर्स में पहले के मुकाबले में कमी हो जाती है अब अगर कोलम फोर्स में पहले के मुकाबले में कमी हो रही है तो इसका क्या मतलब होगा कि एक नया फैक्टर फॉर्मूला में अपियर होना शुरू हो जाएगा और जो ऊपर नहीं अपियर होगा नीचे अपीयर होगा और ये फैक्टर आप इस फॉर्मूला में देख भी सकते हैं जो मैंने अभी जान बुझ के नहीं लिखा ताकि आपकी तोजह इस कराई जा सके कि अगर दोनों चार्जेस के दरमियान वैक्यूम के अलावा कोई दूसरा मीडियम आ जाता है तो दोनों चार्जेस के दरमियान जो नई फोर्स होगी एफ मीडियम वो क्या बन जाएगी वन ओवर फोर पाई एप्सन नॉट एप्सन आर क्यों क्यों टू ओवर स्क्वायर इसमें जो एप्सन आर है ये ये कहलाता है रिलेटिव परमिटिविटी और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये दोनों नाम आपकी टेक्स्ट बुक में लिखे हुए हैं रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू इंसुलेटर्स के लिए हमेशा वन से ज्यादा होती है और रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू कंडक्टर्स के लिए क्या होती है इन्फिनेटी तो यहां से एमसीक्यू का बड़ा सिंपल सा रिजल्ट आ गया क्या अगर दो चार्जेस के दरमियान कंडक्टर आ जाए तो दोनों चार्जेस के दरमियान कोलम फोर्स जीरो हो जाती है मैं फिर बोल देता हूं अगर दो चार्जेस के दरमियान कंडक्टर आ जाए तो दोनों चार्जेस के दरमियान कोलम फोर्स जीरो हो जाती है यह ऐसा एमसी है जो अक्सर पूछा जाता है इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप थोड़ा सा गौ से देखें तो इतना पोर्शन जिसको मैंने ब्लू मार्कर से इंक्लोज कर दिया है इस फॉर्मुला में ये ब्लू मार्कर से इंक्लोज हुआ हुआ पोर्शन एक्चुअली किसको शो कर रहा है एफ वैक्यूम को शो कर रहा है लिहाजा रिलेक्टिव परमिटिविटी का फॉर्मुला क्या आ गया एफ वैक्यूम ओवर एफ मीडियम या इन टर्म्स ऑफ कोलम कॉन्स्टेंट ये फॉर्मूला क्या लिखा जा सकता है के वैक्यूम ओवर के मीडियम जबकि के वैक्यूम इज द कोलम कॉन्स्टेंट वेन दे इज अ वैक्यूम बिटवीन द चार्जेस एंड के मीडियम इज द कोलम कॉन्स्टेंट वेन देर इज अ मीडियम बिटवीन द चार्जेस इस टॉपिक की लास्ट बात ध्यान से सुन लीजिएगा कि फर्स्ट करें आपके पास एक चार्ज है और इस इसमें दो इलेक्ट्रिक फोर्सेस लग रही हैं और दोनों फोर्सेस के आपको एंगल कितना दिखाई दे रहा है थीटा तो सवाल पैदा होता है कि इस चार्ज पे रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी तो वो रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला एफ वन स्पे प्लस एफ टू स्पे प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस्ट थी एफ वन क्या है पहले लगने वाली फोर्स एफ टू क्या है दूसरी लगने वाली फोर्स और थीटा क्या है एफ वन और एफ टू के दरमियान बनने वाला एंगल अब यहाँ पे आप अच्छे तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर एक चार्ज पे दो पैंगडिकुलर फोर्सेस लग रही हो यानी जिनमें कौन सा एंगल बन रहा हो नाइंटी तो जब मैं यहां पे क्या रिप्लेस करूंगा नाइन्टी तो कॉस्ट नाइन्टी क्या हो जाएगा जीरो और अब फॉर्मला रिड्यूस होकर थ्योरम बन जाएगा और ये वही सारी एक्सरसाइज है जो अगर आपको याद हो तो आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर टू में वेक्टर एनालिसिस में भी की हुई है कुछ एमसीक्यूज देखने की कोशिश करते हैं ताकि हमें पता चले कि टॉपिक्स में से किस किस्म के एमसीक्यूज आ सकते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट गेट्स पॉजिटिवली चार्ज्ड आफ्टर रबिंग देन इट्स मैस स्ट्रिक्टली स्पीकिंग यानी हमने निग्लिजिबल रिजल्ट को भी कंसिडर करके आंसर बताना है तो जब भी कोई जिसम रब करने के बाद पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है, यानी रबिंग की वजह से अगर किसी जिसम पे क्या अपीयर हो जाए पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाए इसका मतलब वो जिसम एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे और जो जिसम इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा होगा इसका मतलब वो बेसिकली मैस लूज कर रहे इलेक्ट्रॉन्स की बहुत कम ही सही लेकिन मैथ लाजमन होती है नाइन पॉइंट वन टू टेन एस टू पाइनस थर्टी वन किलोग्राम लिहाजा जब भी कोई पॉजिटिवली चार्ज होगा तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है यानी वो मैथ लूज कर रहा है यानी स्ट्रिक्टली स्पीकिंग उसकी मैथ में कमी आना शुरू हो जाएगी तो आपके एमसीक्यू का आंसर क्या होगा बीटा यानी डिक्रीजिस अगला एमसीक्यू देखिएगा विच वन इज शोर टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन बॉडी किसी जिसम पे चार्ज है या नहीं है इसका शोर टेस्ट क्या होगा तो याद रखिएगा इसका शोर टेस्ट कभी भी अट्रैक्शन नहीं हो सकता क्यों क्योंकि अट्रैक्शन दो ऑपोजिट चार्जेस वाले ऑब्जेक्ट में भी हो सकती है और एक चार्ज और न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में भी हो सकती है और ये फोनोमुना कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही तो एक सिंपल सी एग्जांपल देखें फर्स्ट करें ये मेरे पास एक रॉड है कि जिसपे कौन सा चार्ज है पॉजिटिव मैं इसके पास क्या करता हूं एक ऐसा ऑब्जेक्ट ले आता हूं कि जिसपे कोई चार्ज मौजूद नहीं है तो अब क्या होगा इस ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हो जाएगी जिसके नतीजे में इस ऑब्जेक्ट में मौजूद तमाम नेगेटिव चार्जेस का रुख इस किनारे पे हो जाएगा और तमाम पॉजिटिव चार्जेस का रुख दूसरे वाले किनारे पे हो जाएगा नतीजा ये और ये दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे लिहाजा न्यूट्रल चीज भी अट्रैक्शन कर सकती है इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी चीज पे चार्ज है या नहीं है अट्रैक्शन इस बात की गारंटी आपको नहीं देगी क्योंकि अट्रैक्शन न्यूट्रल चीज भी कर सकती है हाँ न्यूट्रल चीज क्या नहीं कर सकती रिपर्शन नहीं कर सकती लिहाजा अगर कोई चीज किसी दूसरी चीज को क्या कर रही है रिपेल कर रही है तो इसका बड़ा सिंपल सा मतलब है कि उस पर चार्ज मौजूद होगा आपके इस एमसीक्यू का आंसर होगा बीटा यानी रिपर्शन इज अ शोर टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज एफ इफ द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इंक्रीज इज टू टाइम्स एंड आ मीडियम ऑफ रेलिटिव पॉमिटिविटी फोर इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द चार्जेस बिटवीन द चार्जेस विल बी नाउ पुरानी फोर्स क्या थी एफ तो नई फोर्स एफ से कम हो जाएगी क्योंकि आप जो दोनों काम कर रहे हैं उससे कोलम फोर्स में कमी आएगी क्या मतलब है आप सबको पता है कि कोलम फोर्स डिस्टेंस के स्क्वेर के इनवर्सोशनल है इनवर्स फेल और रिमेंबर और अब आप डिस्टेंस में क्या कर रहे हैं दो गुना इजाफा कर रहे हैं जैसे कि ऊपर वहां पे लिखा भी हुआ है तो अगर आर दो गुना यानी टू टाइम्स इंक्रीज हो रहा है डबल हो रहा है तो कोलम फोर्स में फोर टाइम्स यानी चार गुना कमी आ जाएगी यानी डिनोमिनेटर में एक फोर का फैक्टर अपीयर होना शुरू हो जाएगा फिर दूसरी चेंज आप क्या लेके आ रहे हैं कि दोनों चार्जेस के दरमियान आपने क्या रख दिया एक मीडियम रख दिया कि जिसकी डायरेक्टिव परमिटिविटी क्या है फोर मीडियम के आने से भी कोलम फोर्स में कमी आती है और कितनी कमी आती है जितने का का मीडियम मीडियम आया होता है है और कितने आर का मीडियम आ गया है? तो फोर्स में मजीद चार गुना की कमी हो जाएगी जैसे कि आप देख सकते हैं कि कोलम फोर्स एप्सलन आर के भी क्या है प्रोपोर्शनल है तो थोड़ा सा गौ से देखें तो एक फोर किसकी वजह से आ रहा है डिस्टेंस के डबल होने की वजह से और एक फोर किसकी वजह से आ रहा है एप्सलन आर की वजह से तो ओवरऑल ये फोर और फोर मल्टीप्लाई होकर आपको क्या दे देंगे वन बाय सिक्सटीन यानी कोलम फोर्स में पहले के मुकाबले में सोलह गुना कमी हो जाएगी यानी अगर पहली फोर्स क्या थी एफ तो अब नई फोर्स क्या हो जाएगी बीटा एफ बाय सिक्सटीन नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा द फोर्स बिटवीन टू चार्ज सफियर्स विद चार्जेस क्यों वन इक्वल्स टू कोलम एंड क्यू टू इक्वल्स माइनस वन कोलम इज एटी न्यूटन इफ दी सफियस आर ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट एंड देन सेपरेटेड द न्यू फोर्स बिटवीन दफियस विल बी अच्छा सिचुएशन क्या है जी सिचुएशन ये है कि आपके पास एक सफियर था उसमें चार्ज कितना था प्लस टू सी आपके पास दूसरा सफियर था उस पर चार्ज कितना था माइनस वन सी तो इनके दरमियान जो फोर्स एफ वन है जो कि बाय दी के बराबर है वो कितनी लग रही होगी के जाहिर सी बात है कि कोलम फोर्स के फॉर्मूला में चार्जेस के मैग्नीट्यूड लिखे जाते हैं साइंस नहीं फिर कुछ देर बाद आपने क्या किया कि आपने इन दोनों सफियस को मिला दिया जब आप इन दोनों सफियस को आपस में क्या करेंगे मिलाएंगे तो प्लस टू कोलम वाला सफियर हाई पोटेंशियल पे है और माइनस वन कोलम वाला सफियर लो पोटेंशियल पे है तो चार्ज क्या करना शुरू कर देगा फ्लो करना शुरू कर देगा और कब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों सफियस पे एक जितना चार्ज नहीं आ जाता अब सवाल यह पैदा होता है कि दोनों सफियस पे एक जितना चार्ज फर्स करें आ गया तो फिर अब दोनों सफियस पे चार्ज की अमाउंट क्या होगी उसके लिए जरा ध्यान से दे देखें कि देखेंगे क्यों वन क्या था प्लस टू और क्यू टू क्या था माइनस वन तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा वन कोलम इसका मतलब ये वन कोलम का चार्ज इन दोनों सफियस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा यानी आधा आधा क्या मतलब है इस बात का इस बात का बड़ा सिंपल सा मतलब है कि आपने इन दोनों सफियस को मिलाने के बाद थोड़ी देर आपने इन दोनों सफियस को मिलाए रखा और उसके बाद जब आप इनको क्या करेंगे अलग करेंगे तो दोनों में वन कोलम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा यानी दोनों पे कितना आ गया होगा पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव अब अगर आप इन दोनों सफियस को गौर से देखें तो पहले बार पे चार्ज कितना था प्लस टू और दूसरे वाले पे चार्ज कितना था माइनस वन इस सारी एक्सरसाइज के बाद अब दोनों पे चार्ज क्या आ गया जीरो पॉइंट फाइव जीरो पॉइंट फाइव ईच तो अब इन दोनों सफियस के दरमियान फोर्स क्या होगी वही फॉर्मूला एफ टू मैंने कह दिया नई फोर्स के क्यों वन टू ओवर आर स्क्वायर अब अगर आप इन दो फोर्सेस की रेशियो ले लें तो K और आर स्क्र के और आर स्वेर आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे नतीजा क्या बनेगा एफ टू ओवर एटी अब F2 आपने क्या करनी, है? करनी है. F1 80. अब ध्यान से देखिएगा जीरो पॉइंट फाइव इज एचुरी वन बाय टू जीरो पॉइंट फाइव इज एचुरी वन बाई टू तो डिनोमिनेटर में यानी निचरे वाले फैक्टर में कितने टू इट्ठे हो जाएंगे थ्री और थ्री टू आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या आंसर देंगे एट ये एटी उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई और एटी बाई एट का आंसर क्या आएगा टेन कोर्स न्यूटन तो आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या होगा डेल्टा यानी टेन न्यूटन नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखना है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ये कॉन्सेप्ट माइकल फेराडे ने दिया था जिसके मुताबिक किसी भी चार्ज के ऐसा एरिया एरिया जिस एरिया में चार्ज का इन्फ्लुएंस महसूस किया जा सके वो चार्ज की क्या कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है अब यहां पे समझने वाली बात स्टूडेंट्स ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्रॉपर्टी है क्वांटिटी नहीं है इसका मतलब ये महसूस हो सकती है मयर नहीं हो सकती तो फिर अब क्या किया जाए इसको मयर कैसे किया जाए तो हम फिजिक्स में में या यु, मुझे यूं कहना चाहिए कि जब भी कोई चीज मेजरेबल ना हो तो उसको मेजरेबल करने के लिए हम उसके लिए एक डिफाइन करवा देते हैं ये काम आपने अपनी काफी बेसिक क्लासेस से करना शुरू किया गया फॉर एग्जाम्पल फ्रिक्शन मेजर नहीं होती तो फ्रिक्शन के लिए कॉफिशेंट डिफाइन करवा देते हैं म्यू विस्कोस्टी मेजर नहीं होती तो विस्कोस्टी के लिए कॉफिशेंट डिफाइन करवा देते हैं ईटा इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड प्रॉपर्टी है मयर नहीं होती महसूस होती है तो हम उसके लिए क्या करेंगे एक डिफाइन करवा देंगे ई वेयर ई इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी तीनों नाम आपकी टेक्स्ट बुक में लिखे हुए हैं कैसे मयर होगी फर्स्ट करें ये मेरे पास एक प्लस केओ चार्ज है जिसके केद यह क्या मौजूद है इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है मुझे कहा गया इस प्लस केओ चार्ज की पी पॉइंट पे ई e निकालें तो मुझे इस प्लस केओ चार्ज की पी पॉइंट पे ई e निकालने के लिए पहले इस ई e को फील करना पड़ेगा महसूस करना पड़ेगा उसके लिए मैं क्या करूंगा कि इस पी पॉइंट पे क्या लाकर रख दूंगा एक टेस्ट चार्ज लाकर रख दूंगा अब अब होगा क्या कि ये पॉजिटिव चार्ज इस टेस्ट चार्ज को एक एफ फोर्स की तहत रिपेल करना शुरू कर देगा तो इसका मतलब इस चार्ज की टेस्ट चार्ज पर लगाई गई फोर्स ही फील्ड स्ट्रेंथ यानी ई e कहलाती है जो कि फॉर्मूला में भी दिखाई दे रहा है कि ई इक्वल्स एफ ओवर क्यू नॉट अच्छा यहां पर आपने यह बात याद रखी है कि ई e आपने बेसिकली किसकी निकाली है क्यू की लेकिन आपने निकाली किसकी मदद से है क्यों नॉट की मदद से निकाल ली है अब यहां पे बचा बच्चा एतराज करता है कि जो टेस्ट चार्ज है वो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता चूंकि ये इमेजिनरी होता है पॉजिटिव होता है और इसकी अपनी कोई फील्ड नहीं होती सो so, ये फॉर्मूला प्रैक्टिकली तो बहुत अच्छा है प्रैक्टिकली हमारे किसी काम का नहीं है लिहाजा आप क्या किया जाएगा यहाँ पे और दूसरा इतराज इस फॉर्मूला में ये आता है बच्चों का कि आप जिस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं फॉर्मूला में वो चार्ज है ही नहीं है तो इसके लिए हम बड़ा सा काम क्या करते हैं कि इस एफ की जगह कोलम्स लॉ का फॉर्मूला रिप्लेस कर देते हैं ओवर आर स्क्त अब क्यों यहां पर क्या है यहां क्या है Q0. तो जब मैं फॉर्मूला रिप्लेस करूंगा तो ये फॉर्मूला इस फॉर्मूला में चेंज हो जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वेयर जबकि के की जगह ऑफ कोर्स क्या लिखा जा सकता है वन ओवर फोर बाय ऑप्शन नॉट सो अब आप देखें कि इन दोनों फॉर्मूलास में आप जिस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं आपको वही चार्ज दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड भी कोलम लॉ की तरह कौन सा ओबे करती है इनवर्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कोलम लॉ की तरह मीडियम पे डिपेंड करती है मसलन एयर की मौजूदगी में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मुला यही होगा वन ओ फोर नॉट क्यों बाय आर स्क लेकिन मीडियम की मौजूदगी में बिल्कुल कोलम लॉ की तरह नॉट के साथ क्या आ जाएगा एप्सन आर आ जाएगा इसका मतलब यहां पे भी एप्स आर का आपको वही फॉर्मूला दिखाई दे रहा है ई वैक्यूम ओवर ई मीडियम नेक्स्ट बात हम लोगों ने करनी है वो है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को ग्राफिकली uh, रिप्रेजेंट करने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं इमेजिनरी लाइंस से रिप्रेजेंट कर देते हैं दीज इमेजिनरी लाइंस जो कि थ्री डायमेंशन में होती हैं दे आर नोन एज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स दो बातों का आपने याद रखना है कि लाइन्स की तादाद आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताती है और लाइन पे लगा हुआ एरो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है पॉजिटिव चार्जेस के लिए चार्ज से अवे होती हैं नेगेटिव चार्जेस के लिए लाइन चार्ज की तरफ होती हैं और कभी भी लाइन्स एक दूसरे को क्या नहीं कर सकती इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हम श्योर आपने पढ़ा होगा आपकी टेक्स्ट बुक में मुख्तलिफ लाइन्स की मुख्तलिफ कॉन्फिग्रेशन की आपको ज्योमेट्री uh, और लाइंस का तरीका कहा भी दिखाई दे रहा होगा मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा चूंकि डायग्राम्स आपकी बुक में बनी हुई हैं। मैं ऐसी बहस में जाऊंगा जो यहां पे एंटिक टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है जिसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और वो बहस है नल पॉइंट या न्यूट्रल जोन या जीरो फील्ड स्पॉट दो चार्जिस की वजह से बास दफा एक ऐसा पॉइंट पैदा हो जाता है कि जिस पॉइंट पे दोनों चार्जेस की फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर रही होती है और उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रही होती वो पॉइंट कहलाता है नल पॉइंट या न्यूट्रल जोन या जीरो फील्ड स्पॉट अब मुख्तलिफ चार्जेस के लिए इसमें नल पॉइंट मुख्तलिफ जगहों पर लाई करेगा फॉर एग्जाम्पल फॉर इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस यानी दोनों चार्जेस क्या है इक्वल हैं और दोनों चार्जेस क्या हैं पॉजिटिव हैं या यूं कह लें कि दोनों चार्जेस क्या हैं इक्वल हैं और दोनों चार्जेस क्या हैं नेगेटिव हैं तो इस सिचुएशन में नल पॉइंट दोनों चार्जेस के बिल्कुल कहां पे लाई करेगा सेंटर में मिड में यानी नल पॉइंट का दोनों चार्जेस से फासला बिल्कुल क्या होगा सेम लेकिन अगर आपके पास सिमिलर एंड अनइक्वल चार्जेस हो यानी हैं दोनों पॉजिटिव ही लेकिन एक की वैल्यू ज्यादा है दूसरे की वैल्यू कम है या है दोनों नेगेटिव ही एक की वैल्यू ज्यादा दूसरे की वैल्यू क्या है कम है यानी ये 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 बड़े वाला वाला चार्ज चार्ज एक छोटे मसलन तो अब इस दरमियान में तो लाई करेगा लेकिन नल पॉइंट दोनों चार्जेस के मिड में लाई नहीं करेगा बल्कि नल पॉइंट छोटे वाले चार्ज के करीब लाई करेगा और बड़े वाले चार्ज से दो लाई करेगा यानी नल th... पॉइंट पी छोटे वाले चार्ज के करीब कर रहा है। फर्स्ट करें दोनों चार्जेस के दरमियान का फासला अगर आर है, तो नल पॉइंट का फासला छोटे वाले से क्या होगा और अब नल पॉइंट निकालने का फॉर्मूलास का होल स्क्वल केवर एक्स है बड़े वाला चार्ज और स्मॉल क्यू क्या है छोटे वाला चार्ज वट इफ के हमारे पास इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस हो ये यानी एक दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या है सेम है लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा नेगेटिव चार्ज है तो अब क्या होगा तो अब जरा ध्यान से सुनिएगा तो नल पॉइंट दोनों तरफ इक्वी डिस्टेंस पे लाई करेगा नल पॉइंट अब दरम्यान में कहीं लाइन नहीं करेगा नल पॉइंट अब मिड में या दरम्यान में कहीं लाइन नहीं कर सकता अब नल पॉइंट सराउंडिंग पे ही लाई करेगा लेकिन अब नल पॉइंट दोनों चार्जेस के सराउंडिंग पे इक्वल डिस्टेंस पे लाई करेगा यानी प्लस क्यों के होके यहाँ पे माइनस के होके यहाँ पे और ये दोनों फासले बिल्कुल सेम होंगे वट इफ के मेरे पास ऑपोजिट एंड अन इक्वल चार्जेस हों यानी एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है फॉर एग्जाम्पल प्लस क्यू है प्लस फाइव और माइनस क्यू है माइनस टू तो अब नल पॉइंट छोटे वाले चार्ज के सराउंडिंग पे लाई करेगा और अब नल पॉइंट निकालने का फॉर्मूला ये जिसमें कैपिटल क्यू क्या है बड़े वाला चार्ज स्मॉल क्यू क्या है छोटे वाला चार्ज एक्स हमारा नल पॉइंट है और आप देख सकते हैं कि ओपी नल पॉइंट का माइनस यानी छोटे वाले चार्ज से फासला क्या है एक्स और बड़े वाले चार्ज से फासला क्या हो जाएगा आर प्लस एक्स हो जाएगा एंड फाइनली वॉट इफ के हमारे पास सिंगल चार्ज हो आइसोलेटेड आइसोलेटेड तो चार्ज के लिए नल पॉइंट हमेशा कहां पे लाई करता है इनफिनिटी पे लाई करता है यानी वहां पे लाई करेगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी यानी चार्ज से आप इतना दूर चले जाएं कि चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए महसूस ना हो तो वो इन्फिनिटी होगा और वो उस चार्ज के लिए उस आइसोलेटेड यानी सिंगल चार्ज के लिए नल पॉइंट भी होगा व्हाइट बोर्ड दोबारा शुरू करते हैं क्स्ट बात हम लोगों ने डिस्कस करनी है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कि जिसको पोटेंशियल डिफरेंस भी कहा जा सकता है डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है आपने रूटीन की क्लासेस में भी डेफिनेटली पढ़ी होगी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी इज द वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी कीपिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम अब डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि फर्स्ट करें ये मेरे पास एक अपर प्लेट है कैरिंग पॉइंट ए की जिसपे पॉजिटिव चार्ज है या यू कह रहे जो हाई पोटेंशियल पे है और ये मेरे पास एक लोअ प्लेट है बी कैरिंग नेगेटिव चार्ज या जिसपे लो पोटेंशियल है और आप सबको बताए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स किससे किसकी तरफ होती है पॉजिटिव चार्जेस से नेगेटिव चार्जेस की तरफ और जब मैं यहाँ पे टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखूंगा तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स की तरफ लगेगी नीचे की तरफ तो अब अगर मैंने इस चार्ज को नीचे से ऊपर यानी लो से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करवाना हो यानी बी से ए की तरफ लेके जाना हो तो मुझे इस चार्ज पे जो वर्क करना पड़ेगा दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट ए एंड बी और बिटवीन द टू प्लेट्स अब फॉर्मूला यहां पे लिखा हुआ कि दो पॉइंट्स या दो प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज और फर्स्ट ईयर में अगर आपको याद हो तो आपने चैप्टर नंबर फोर में पढ़ा होगा वर्क एनर्जी प्रिंसिपल जिसके मुताबिक वर्क डन किसके होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के रूल बड़ा सिंपल से जब पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहा होगा तो वो पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा और काइनेटिक एनर्जी लॉस करेगा लेकिन जब पॉजिटिव चार्ज लो पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहा होगा तो वो पोटेंशियल एनर्जी लॉस करेगा और काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा इसी तरह नेगेटिव चार्ज अगर लो पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहा है तो वो पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा काइनेटिक एनर्जी लॉस करेगा और अगर नेगेटिव चार्ज हाई पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहा है तो वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा और पोटेंशियल एनर्जी लॉस करेगा मुझे अंदाजा है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी हो सकता है क्योंकि मैंने चार केसेस थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी से बोल दिए हैं तो मैं इनको आसान आसानी से याद रखने का एक तरीका भी आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ कि जब भी चार्ज अपने जैसे चार्ज की तरफ मूव करे यानी पॉजिटिव किस किसकी तरफ मूव करे पॉजिटिव की तरफ या नेगेटिव किसकी तरफ मूव करे नेगेटिव की तरफ यानी जब भी कोई चार्ज अपने जैसे चार्ज की तरफ मूव करेगा तो वो पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा और जाहिर सी बात है कि जब पोटेंशियल एनर्जी गेन होगी तो काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाएगी और दूसरा रूल याद रखने का तरीकाकार क्या है कि जब भी कोई चार्ज अपने से ऑपोजिट चार्ज की तरफ मूव करेगा यानी पॉजिटिव किसकी तरफ मूव करे नेगेटिव की तरफ या नेगेटिव किसकी तरफ मूव करे पॉजिटिव की तरफ तो वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा और पोटेंशियल एनर्जी लॉस करेगा नेक्स्ट जो बात हम लोगों ने करनी है वो है इलेक्ट्रिक या एप्सरो पोटेंशियल Absolute या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पोटेंशियल डिफरेंस से कोई डिफरेंट नहीं है इसमें भी चार्ज दो पॉइंट्स के ही मूव करता है लेकिन याद रखिएगा इसमें चार्ज दो ऐसे पॉइंट्स के दरमियान मूव करता है कि जिनमें से एक आपके सामने ही कहीं लाइक कर रहा है और दूसरा हमने कहांफिनिटी पे अस्यूम किया हुआ है है पे किया हुआ कि जहां पे तमाम पोटेंशियल्स और पोटेंशियल एनर्जीज का आंसर क्या हो जाता है जीरो हो जाता है डेफिनेशन आपने रूटीन की क्लासेस में भी पढ़ी हुई है यहां पे भी लिखी हुई है कि और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप देख सकते हैं कि फॉर्मूला भी तकरीबन वही है वही फॉर्मूला होने का क्या मतलब है जो पोटेंशियल डिफरेंस का है कि यूनिट्स दोनों के आप एक बात नोट कर रहे हैं मैं इसको स्किप करके थोड़ा सा आगे लेके ले गया था वही फॉर्मूला होने का क्या मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस हो या पोटेंशियल हो दोनों के यूनिट्स क्या होते हैं वोल्ट यानी जूल पर कोलम और दोनों ही कौन सी क्वांटिटीज हैं स्केलर क्वांटिटीज हैं और पोटेंशियल प्रेशर का एनालॉगस है या पोटेंशियल डिफरेंस प्रेशर डिफरेंस का है क्या मतलब है इस बात का डायनामिक्स में आपने पढ़ा होगा कि प्रेशर डिफरेंस की वजह से ही फ्लूड फ्लो करता है या फोर्सेस जनरेट होती हैं और वो हमेशा किससे किसकी तरफ फ्लो करता है या फोर्सेस हमेशा किससे किसकी तरफ जनरेट होती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बिल्कुल इसी तरह चार्ज पॉजिटिव चार्ज भी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही फ्लो करेगा किससे किसकी तरफ हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ पोटेंशियल डिफरेंस टेम्परेचर डिफरेंस का भी एनॉलॉगस हो सकता है क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस वजह बनता है हीट के फ्लो करने की फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर तो आप देखें आपको यहां पे तीन एनॉलॉगस दिखाई दे रहे हैं इलेक्ट्रो में जो काम पोटेंशियल कर रहा होता है फ्लोड डायनामिक्स में वही काम प्रेशर कर रहा होता है थर्मो डायनामिक्स में वही काम टेम्परेचर कर रहा होता है पोटेंशियल डिफरेंस की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपकी टेक्स्ट बुक में

जी कराएगा जो कि इलेक्ट्रो कहलाता है यानी इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की मदद से जब आपने हार्ट यानी दिल का एनालिसिस करना हो तो ईसीजी की जाती है और जब आपने ब्रेन यानी दिमाग का एनालिसिस करना हो तो ई e जी की जाती है उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट वन ऑफ द वेरी फेमस योर बुक कि इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली पोटेंशियल में चेंज का नाम है लेकिन बिल्कुल उसी तरह की चेंज जिस तरह की चेंज अगर आपको याद हो तो आपने फर्स्ट ईयर में के लिए पढ़ी थी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट लेकिन वहां पे अगर आपको याद हो तो रेट ऑफ चेंज किसके हिसाब से लिया जाता था टाइम के हिसाब से जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं होता विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस होता है यानी विलोस्टी अगर मैं रिकॉर्ड करवाऊं तो वो डिसमेंट में तब्दीली थी विद रिस्पेक्ट टू टाइम और अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड रिकॉर्ड करवाऊं तो वह पोटेंशियल तब्दील है विद रिस्पेक्ट टू लेंथ या विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट इसका बड़ा सिंपल सा मतलब है कि अगर आप किसी एक जगह पर ही खड़े हुए हैं तो पोटेंशियल चेंज नहीं होगा और जब पोटेंशियल चेंज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज नहीं होगी अनलेस ओ रेंटिल चार्ज की अमाउंट चेंज हो या आपका चार्ज से फास्टा चेंज हो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के पैदा होने की वजह पोटेंशियल में तब्दीली है माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किसकी किस कि तरफ होती है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ यानी जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेंगे फॉलो करेंगे तो आप हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहे होंगे इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा होगा यानी पोटेंशियल आता आता कम हो रहा होगा जब आप इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को या इलेक्ट्रिक फील्ड को फॉलो करते हैं यूनिट्स फॉर्मूला से इलेक्ट्रिक हाँ फील्ड हो होता है हमने स्टैब्लिश कर दिया कि ई e किसके बराबर है डेल्टा बी ओवर डेल्टा आर के तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये यूनिट न्यूटन पर कोलम भी लिखा जा सकता है और ये यूनिट वोल्ट मीटर भी लिखा जा सकता है नेक्स्ट सो बात हमने करनी है ये अगर आपको याद हो तो आपके चैप्टर का प्रॉपर लॉन्ग क्वेश्चन होता था लेकिन यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन करने का टाइम नहीं है चूँकि आपने कैलकुलेशन अपनी रूटीन की क्लासेस में की हुई है तो यहां पे जरा कोशिश करते हैं कि जरा जल्दी से इसको रिकॉल करके ज्यादा अहम एमसीक्यूज को देखने की कोशिश करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या एप्स पोटेंशियल एक्ट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज अब यहाँ पे सबसे पहला इतराज बच्चे की तरफ से आता है कि जब पोटेंशियल का फॉर्मूला पहले से मौजूद था ओवर नॉट तो फिर नया फॉर्मूला डिफाइन करने की जरूरत क्यों पेश आई यह फॉर्मूला थोरेटिकली तो बहुत अच्छा है लेकिन फॉर्मूला प्रैक्टिकली हमारे शायद किसी काम का इसलिए नहीं है कि सबसे पहली बात तो टेस्ट चार्ज नॉर्मली इमेजिनरी होता है हाइपोथेटिकल होता है प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता और ये W क्या है वो वर्क जो आपको चार्ज पे करना पड़ता है उसे इंफिनिटी से किसी पॉइंट पे लेके आने के लिए और जहां पे इंफिनिटी आ जाए आपको पता है हमारी कैलकुलेशन जवाब देना शुरू हो जाती है इसका मतलब ये फॉर्मूला थ्रैटिकली तो बहुत अच्छा है लेकिन फॉर्मूला प्रैक्टिकली शायद किसी चार्ज की मदद से पोटेंशियल फाइंड करने में हमारी मदद नहीं करेगा तो हम इसमें थोड़ी सी क्या कर देते हैं चेंजेस लेके आ जाते हैं कैसे ध्यान से देखें ये क्यू नॉट वैसे का वैसा और बाई डेफिनेशन आप सबको बताया कि वर्क किसके बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और अब अगर मैं फोर्स की जगह कोलम लॉ रिप्लेस कर दू के क्यू वन यानी के क्यू नॉट यानी क्यू टू आर आस तो जरा ध्यान से देखिएगा एक ये क्यू नॉट और क्यू नॉट कैंसिल हो गया एक आर और एक आर कैंसल हो गया तो यहां से पोटेंशियल का एक बड़ा प्रिसाइज फॉर्मूला आपके सामने आ जाता है के क्यू ओवर आर या वन ओवर फोर नॉट के फॉर्मूला प्रैक्टिकली एब्सोल्युटली एप्लीकेबल है वजह आपको अगर चार्ज की क्या मालूम हो अमाउंट जो कि आप इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से भी मैं कर सकते हैं अगर आपको क्या मालूम हो कूलम्स कॉन्स्टेंट तो आप चार्ज से किसी भी फासले पे उस चार्ज का क्या निकाल सकते हैं पोटेंशियल पोटेंशियल निकाल सकते हैं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अब अगर मैं अपनी पिछले दस या पंद्रह मिनट की कीवी बातों को समराइज करूं और जितने भी रिजल्ट हम लोगों ने देखे हैं वो लिखने की कोशिश करूं तो एक बड़ा आसान सा टेबल बनता है कि जो एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से और रिजल्ट्स को याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी काफी मदद करेगा मसलन कोलम फोर्स आर यानी डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल के, होती है अब ध्यान से देखें अगर मैं इस क्यों नॉट को उधर ले जाऊं यानी ये नॉट यान से गायब होकर उधर चला जाए यानी एफ ओवर केव नॉट तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा ये भी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सिब प्रोपोर्शनल होती है अब अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखें तो एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट रिमेंबर एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन एंड वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और अगर फोर्स की वैल्यू रिप्लेस की जाए तो यह पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मुला जो क्या शो कर रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी डिस्टेंस के स्क्वायर के नहीं बल्कि डिस्टेंस के इनवर्सिब अबोशनल एंड फाइनली पोटेंशियल का फॉर्मूला तो मैंने आपके सामने अभी ड्राइव किया है इसका मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के के प्रोपोर्शनल होती है और पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होते हैं नेक्स्ट बात जो हम लोगों ने यहां पर डिस्कस करनी है वो है इक्वी पोटेंशियल सर्फिस ऐसी सर्फिस जिसपे मौजूद तमाम पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम हो और जिस पे मौजूद तमाम पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो वो क्या कहलाती है इक्वी पोटेंशियल सर्फिस कहलाती है इसको समझने के लिए आप डायग्राम देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक प्लस के है। थोड़ा सा बड़ा करके लिख देता हूं अगर ये प्लस के है, तो इससे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स किधर को निकल रही होगी बाइक की तरफ निकल रही होगी जैसा कि रेड लाइन से आपको दिखाई भी दे रहा है अब मैंने क्या कर लिया इस चार्ज के दो इमेजिनरी सर्कल किए हुए हैं एक सर्कल पे आपको दो पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं ए एंड बी और दूसरे सर्कल पे आपको दो पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं सी एंड डी सो ये जो दोनों सर्कल आपको दिखाई दे रहे हैं ये चूंकि परफेक्ट सर्कल हैं तो इनका सेंटर यानी चार्ज से फासला क्या होगा सेम होगा यानी इन पॉइंट पे इन पे मौजूद तमाम पॉइंट्स का चार से फासला सेम है यानी इन सर्कस पे मौजूद तमाम पॉइंट्स पे पोटेंशियल क्या होगा सेम होगा और ये सर्कल इक्विपोटेंशियल सर्फिस कहलाती है अब इक्विपोटेंशियल सर्फिस की अगर कुछ हम प्रॉपर्टीज देखने की कोशिश करते हैं तो आप पॉइंट ए और पॉइंट बी को देखें दोनों एक ही इक्वीपोटेंशियल uh, सर्फिस पे लाई कर रहे हैं इसका मतलब क्या होगा पॉइंट ए का पोटेंशियल और पॉइंट बी का पोटेंशियल सेम होंगे यानी पॉइंट ए और बी के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा जीरो आगे चलें इसी तरह दूसरा सर्कल देखें दूसरी इक्वी पोटेंशियल सर्फिस देखें जिसपे सी और डी पॉइंट लाइक कर रहे हैं तो इस पर भी वही रोल जी कि सी और डी के पोटेंशियल क्या होंगे सेम होंगे और सी और डी के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा जीरो होगा बट बहुत अहम बात मैं यह करने लगा हूं कि ए और सी के दरमियान और बी और D के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्यों वजह बड़ी सिंपल है ए पॉइंट चार्ज के करीब है इस पर पोटेंशियल हाई है और सी पॉइंट चार्ज से दूर है तो इस पर पोटेंशियल लो है तो ए और सी के दरमियान क्या लाई कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस लाई कर रहा है यही वजह है कि एकवी पोटेंशियल सर्विस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जीरो नहीं होती और ये तो वैसे भी कॉमन सेंस है कि चार्ज के गिर इलेक्ट्रीफिल एग्जिस्ट करती ही करती है और अगर जीरो होगी भी तो कहां पे जाके जीरो होगी इंफिनिटी पे जाके जीरो होगी अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है अगर ए और बी के दरम्यान पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो इसका मतलब ए और बी के दरमियान चार्ज को मूव करवाने के लिए आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा रिकॉल डब्ल्यू इक्वल्स डेल्टा बी तो अगर डेल्टा बी जीरो होगा तो वर्क भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिएगा जरा इलेक्ट्रिक फील इक्वी पोटेंशियल सर्फेस क्या होती है परपेंडिकुलर होती है वो आपको दिखाई भी दे रहा है सर्कल में किसी भी जगह पर डायरेक्शन देखने के लिए जब आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट अपनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का हमेशा क्या होगा परपेंडिकुलर होगा एंड लास्टली इक्वी पोटेंशियल सर्फेस जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स डू नॉट क्रॉस इच अदर ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती कुछ एमसीक्यूज की तरफ आते हैं पोटेंशियल एट द सर्फेस ऑफ अ होलो चार्ज सफियर इज प्लस फाइव वोल्ट पोटेंशियल इन साइड दिस सफियर एक्ट एनी पॉइंट इस। इधर सा ध्यान से देखिएगा ये मेरे पास एक होलो चार्ज सफियर है इसका मतलब इसकी सरफेस पे क्या पेयर हुआ हुआ है चार्ज और ये अंदर से खाली है अब उसने हमें इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है कि सरफेस पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या है प्लस फाइव वोल्ट तो बताएं इस सफियर के अंदर किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी सो so, अगर आपको इस चैप्टर में एक लॉ याद हो जो अगर से हमारे यूएसएस के सिलेबस का हिस्सा नहीं है लेकिन आपने पढ़ा होगा गोसॉक की फर्स्ट एप्लीकेशन

यानी इन साइड v सरफेस के बराबर होगा यानी इस मेटेलिक हॉलो चार के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होगा पोटेंशियल कांस्टेंट होगा और पोटेंशियल वही होगा जो सरफेस पे है और सरफेस पे आपको कितना पोटेंशियल दिखाई दे रहा है प्लस फाइव वोल्ट तो इंच साइड भी किसी भी जगह पे पोटेंशियल कितना होगा फाइव यानी आपके सामसिक्यू का आंसर क्या आएगा एल्फाइट नेक्स्ट देखिएगा इफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्च्यूड्रिक फील एट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देन द द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पॉइंट फ्रॉम चार्जेस अब इस किस्म के क्वेश्चंस को करने का तरीका ये होता है कि जो इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है उस इंफॉर्मेशन को एज इट इज लिख लेते हैं मसलन उसने क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है कि एक चार्ज से कुछ फास्ते पर पॉइंट है और उस पॉइंट पे पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड नोमरिकली एक दूसरे के क्या हो गए इक्वल हो गए तो बताएं उस पॉइंट का चार्ज से फासला क्या होगा अब जब आप इस तरह से लिख देते हैं तो 90 परसेंट चांसेस हैं इनफैक्ट मोर देन 90 परसेंट चास्सेज है कि आपका एमसीक्यू सॉल्व हो जाएगा वजह कि इस तरह लिख के अगर आप फॉर्मुला को गौ से देखें और इस इक्वेशन को गौ से देखें और आपको कुछ भी ना समझ आ रहा हो तो नेक्स्ट ऑब्वियस स्टेप क्या होता है कि जरा इनकी जगह फॉर्मूला रिप्लेस करके देखते हैं शायद हमें को बात समझ आए तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है के क्यू ओवर आर और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है के क्यू ओवर आर स्क्वायर के और के कैंसल क्यू और क्यू कैंसल एक आर और एक आर कैंसल लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बचा वन राइट हैंड साइड पे क्या बचा वन ओवर आर इसका मतलब आर किसके बराबर होगा वन मीटर के यानी आपके एस का आंसर क्या आएगा डेल्टा नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा व्हाट विल बी द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज क्यू नॉट शोन इन द डायग्राम अच्छा डायग्राम में आपको क्या दिखाई दे रहा हाँ है कि ऊपर वाली प्लेट हाई पोटेंशियल पे और नीचे वाली प्लेट बी पोटेंशियल पे है ऊपर वाली प्लेट का पोटेंशियल कितना है प्लस टेन वोल्ट और नीचे वाली का कितना है माइनस टेन वोल्ट और दोनों के दरमियान फासला कितना है टेन सेंटीमीटर और इनके दरमियान जो चार्ज है वो कितने का है टेन माइक्रो कोलम का है तो आपने इस चार्ज पर लगने वाली फोर्स निकालनी है तो आप सबको पता है एफ किसके बाबर होता है क्यू ई e? और ई e क्या होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट डेल्टा वी ओवर डेल्टा नो अगले स्टेप में जरा ध्यान से देखिएगा तो अब काफी हद तक ये सिचुएशन आपको समझ आ गई होगी चार्ज कितना है टेन माइक्रोकोलम यानी टेन इंटू टेन पा माइनस सिक्स ऊपर वाली प्लेट है प्लस टेन पे नीचे वाली प्लेट है माइनस टेन पे तो दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ट्वेंटी और दोनों प्लेट के दरमियान डिस्टेंस या डिफरेंस कितना है टेन सेंटीमीटर यानी टेन बाय हंड्रेड तो अब ये सारी अगर आप देखें तो गेम अब जीरो को हैंडल करने की है आ, ये एक जीरो और एक जीरो क्या हो जाएगा कैंसिल ये वाला जीरो की तो चला जाएगा ऊपर तो एक दो और तीन जीरोस माइनस सिक्स में से जब कैंसिल होंगे तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा टेन एस टू पावर माइनस थ्री के जिसके साथ नॉन जीरो नंबर क्या होगा टू लिहाजा आपके इस एमसीक्यू का आंसर होगा बीटा टू इन एस टू पावर माइनस थ्री नीटन नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों ने देखना है टू सिमिलर पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड क्यू आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस एट अ पॉइंट मिड वे बिट्वीन द चार्जेज ऑप्शन ए जीरो जीरो ऑप्शन बी टू केवर डी जीरो ऑप्शन सी के क्यू ओवर टू डी इंटू जीरो ऑप्शन डी फोर के क्यू ओवर डी इंटू जीरो अब अगर आपको याद हो तो अभी हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया है कि सिमिलर चार्जेस जिनके मैग्नीट्यूड भी क्या हो सेम हो उनके दरम्यान मिड पॉइंट पे बिल्कुल मिड पॉइंट पे ये लिखा भी हुआ है जीरो और अगर जीरो जीरो होगी तो उस पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा तो मतलब बड़ा ही हुआ कि पे तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके लिए ध्यान से देखिएगा ये दो चार्जेस है इक्वल मैग्नीट्यूड सिमिलर चार्जेस हैं ये इनके दरमियान मिड पॉइंट है जिसको हमने क्या नाम दिया हुआ का दोनों चार्जेस के दर डिस्टेंस कितना है डी और पी का किसी एक चार्ज से फासला क्या है डी बाई टू तो पी पे टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोनों पड़ेगा यानी इस Q चार्ज का पी पे पोटेंशियल क्या होगा के क्यूवर डी बाई टू और इस क्यू चार्ज का भी पी पे पोटेंशियल क्या होगा के क्यू ओवर डी बाई टू ये टू के दर चला जाएगा ऊपर ये टू के दर चला जाएगा ऊपर तो ये क्या बन जाएगा टू के क्यों ओवर डी ये भी क्या बन जाएगा टू के क्यों ओवर डी तो P पे नेट पोटेंशियल क्या आ जाएगा फोर के क्यू ओवर डी यानी दोनों एक जैसे और एक जितने चार्जेस के दरमियान सिमिलर एंड इक्वल मैग्नीट्यूड चार्जेस के दरमियान मिड पॉइंट पे बिल्कुल सेंटर पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है जीरो और पोटेंशियल क्या हो जाता है फोर के क्यू ओवर डी यानी आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या आएगा डेल्टा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा द पोटेंशियल एट अ पॉइंट एक्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिक्स वोल्ट हायर देन एट पॉइंट वाई इफ अ नेगेटिव चार्ज ऑफ माइनस फाइव कोलम इज मूव फ्रॉम एक्स टू वाई देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज विल एल्फा डिक्रीजेस बाय थर्टी जूल बीटा बाय सिक्स बाई फोर जूल चार्ली इंक्रीजिस बाय थर्टी जूल डेल्टा बाय सिक्स फाइव जूल अब जाद नहीं से नहीं पे देखिएगा एक्स वाई के लिहाज से हायर है बाय सिक्स वोल्ट यानी एक्स हाई पोटेंशियल पे है और वाई लो पोटेंशियल पे है यानी एक्स पॉजिटिव है या वाई

नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई नेगेटिव चार्ज नेगेटिविटी की तरफ जाएगा तो उसके पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगा इजाफा होगा पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस इसका मतलब यह हुआ कि आपके इस एमसीक्यू का आंसर या तो चाली होगा या डेल्टा होगा अब सवाल यह पैदा होता है पोटेंशियल एनर्जी कितनी इंक्रीज हो रही है तो फर्स्ट ईयर में चैप्टर फोर में आपने पढ़ा होगा वर्क एनर्जी प्रिंसिपल कि जिसके मुताबिक वर्क डन इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी चार्ज का मैग्निट्यूड या चार्ज की अमाउंट कितनी है फाइव दोनों पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना है सिक्स तो फाइव इंटू सिक्स क्या आ जाएगा थर्टी जूल ये वर्क भी है और ये गेन होने वाली पोटेंशियल एनर्जी भी है लिहाजा आपके इस एम का आंसर आएगा चाली इंक्रीजेस बाय 30 जून व्हाइट बोर्ड दोबारा शुरू करते हैं जो हम लोगों ने करना है वो है इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस का कंपैरिजन uh, ज्यादातर बातें आपको पहले से ही आती हैं क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक में भी आर्टिकल uh, बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है so, सो थोड़ा सा मैं यहाँ पे जरा इसको uh, तरतीब से आपके साथ शेयर कर लेता हूँ ताकि आपको सिमिलैरिटीज और डिसिमिलिटीज एक्ट डिफरेंसेस का अच्छे तरीके से पता चल जाए लेफ्ट uh, uh, जो आपको कॉलम दिखाई दे रहा है वो सिमिलैरिटीज का है राइट right कॉलम आपको डिफरेंस का दिखाई दे रहा है सिमिलैरिटीज की तरफ आए जरा तो फॉर्मूलाज सिमिलैरिटीज की तरफ इशारा कर रहे हैं कि दोनों फोर्सेस अपनी अपनी क्वांटिटीज के प्रोडक्ट के डायरेक्टिव अपोशनल है यानी ग्रेविटेशनल फोर्स एम वन और एम टू के प्रोटेक्टेड के डायरेक्टिव अबोश करना है और कोलम फोर्स क्यों वन और क्यों टू के प्रोटेक्टेड के डायरेक्टिव है और दोनों क्वांटिटीज इनवर्स दोनों फोर्सेस इनवर्स के करती है यानी दोनों फोर्सेस स्क्वेयर के इनवर्स अबोज करना है तो फॉर्मूला बजाते खुद बहुत बड़ी सिमिलैरिटी है दूसरा देखें दोनों कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं यानी दोनों फोर्सेस की फील्ड्स में किया गया काम रास्ते पे डिपेंड नहीं करता और क्लोज पाथ में वर्क का आंसर क्या आ जाता है जीरो आ जाता है दोनों नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस हैं यानी दोनों फोर्सेस लगने के लिए जिसमों का आपस में फिजिकली टच करना या फिजिकली कांटेक्ट में होना जरूरी नहीं होता यानी दो चार्जेस या दो मैसेज एक दूसरे से अलग अलग फासले पे अलग अलग होके भी एक दूसरे पे फोर्सेस लगा सकते हैं दोनों कंपेरेटिवली लॉन्ग रेंज फोर्सेस हैं वो अलग बात है कि ग्रेविटी की ग्रेविटेशनल फोर्स की जो रेंज है वो इलेक्ट्रिक फोर्स की रेंज से कहीं ज्यादा होती है और दोनों फोर्सेस अपनी अपनी फील्ड्स के पैरेलल एग्जर्ट होती हैं अनलाइक मैग्नेटिक फोर्स जो अगर आपको याद हो आपने चैप्टर फोर्टीन में पढ़ा था तो मैग्नेटिक फोर्स हमेशा फील्ड के पेंडिकुलर एग्जीक्यूट होती है ये दोनों फोर्सेस अपनी फील्ड के अलोंग एग्जीक्यूट हो रही होती है सिमिलैरिटीज

जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ और सिर्फ क्या होती है अट्रैक्टिव होती है और लास्टली इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों चार्जेस के दरमियान मीडियम पे डिपेंड करती है मीडियम से डिस्टर्ब होती है जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों मैसेस के दरमियान मीडियम पे डिपेंड नहीं करती होती आज के लास्ट पोर्शन की तरफ आते हैं जो कि है कैपेसिटर अब इसमें देखें तो सबसे पहले एमसीक्यू इसके नाम में छुपा हुआ है कैपेसिटर को कंडेंसर भी कहा जाता है कैपेसिटर को कंडेंसर भी कहा जाता है तो अगर आपके पास कहीं पे भी कोई कंडेंसर का वर्ड लिखा आ जाए और आगे आपको कैपेसिटर वाली सिचुएशन दिखाई दे रही हो तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि किसकी तरफ इशारा है कैपेसिटर की तरफ इशारा है सिंपल सी डेफिनेशन क्या है इट इज अ डिवाइस विच इज यूज टू स्टोर चार्जेस एंड एनर्जी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन देख लें इट इज अ टू टर्मिनल डिवाइस टू स्टोर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड ऑफ़ कोर्स चार्जेस इन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड अब इतनी कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन लिखने का मकसद आपको सिर्फ इस डेफिनेशन से थोड़ा सा अब फमिलियर करना था ताकि अगर किसी भी जगह पे किसी टेस्ट में या किसी बुक में आपको डेफिनेशन दिखाई दे जाए तो आप कंफ्यूज ना हो सिंपलेट फॉर्म कपेसिटर की क्या कहलाती है प्लेट कपैसिटर जिसमें दो मटेलिक प्लेट्स किसके साथ अटैच हुई होती हैं एक सेल या एक बैटरी के साथ कैपेसिटर में चार्ज स्टोर होने की रीजन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होती है अब वो प्लेट जो सेल के एनोड के साथ अटैच होगी उस उसपे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा वो प्लेट जो सेल के कैथोड के साथ अटैच होगी उस उसपे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और दोनों प्लेट्स पे चार्जेस की अमाउंट बिल्कुल सेम होगी Uh, कितना चार्ज आएगा यह किस बात पे डिपेंड कर रहा है कि आपने उस कैपेसिटर के साथ सेल या बैटरी कौन सी लगाई हुई है यानी कि कैपेसिटर पे स्टोर होने वाला चार्ज सप्लाई हुए हुए पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टिव पोर्शनल है प्रोपोर्शनलिटी साइन इक्वालिटी साइन से रिप्लेस होता है साथ में क्या आता है कॉन्स्टेंट सी एंड दिस सी इज नोन एज आप सबको पहले से पता है कैपेसिटेंस या कैपेसिटी एबिलिटी ऑफ चार्ज टू स्टोर कैपेसिटेंस इसके यूनिट्स क्या होंगे कोलम पर वोल्ट या जिनको फैर भी कहा जाता है अब अगेन थोड़ी सी ऐसी बात जो हमारी बुक में शायद इतनी डिटेल तरीके से नहीं लिखी हुई अगर मैं किसी कैपेसिटर के साथ क्या अटैच कर देता हूं एक सेल या बैटरी तो अब उसका डीसी बिहेवियर किस किस्म का होगा तो याद रखिएगा कि डीसी

आइडियल डीसी कैपेसिटिव सर्किट में फ्लो नहीं कर सकता बट पल्सेटिंग डीसी जो आपने रेक्टिफायर में पड़ा होगा ये कैपेसिटिव सर्किट में फ्लो कर सकते हैं ऑन दी अदर हैंड कैपेसिटिव सर्किट में एसी रेगुलरली फ्लो कर सकता है, क्योंकि एसी के लिए फ्रिक्वेंसी जीरो नहीं होती टाइम पीरियड इन्फिनिटी नहीं होता कपैसिटिव रेक्टेंस भी इंफिनिटी नहीं होती करंट होता है

तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमने किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस चेंज करनी हो तब्दील करनी हो तो हम क्या करेंगे तो उसके लिए फिर हम एक नया फॉर्मूला डिफाइन करवाते हैं जो सीवल टू क्यों बाई वी से ही निकलता है और ये फॉर्मूला क्या है C इक्वल्स ए एप्सेंट नॉट ओवर डी इसमें A क्या है किसी एक प्लेट का क्रॉस सेक्शनल एरिया D क्या है दोनों प्लेट्स के दरमियान सेपरेशन और एप्सेंट नॉट क्या शो कर रहा है कि यहां पे भी कैपेसिटेंस दोनों प्लेट्स के दरमियान किस पे डिपेंड करेगी मीडियम पे डिपेंड करेगी लेकिन अगर दोनों प्लेट्स के दरमियान कोई डायलेक्ट्रिक आ जाए डायलैक्ट्रिक एक ऐसा मीडियम होता है जो इंसुलेटर होता है ग्लास आ जाए प्लास्टिक आ जाए अगर लकड़ी आ जाए अगर दोनों प्लेट्स के दरमियान कोई क्या आ जाए डायलैक्ट्रिक आ जाए तो कैपेसिटेंस में उतने ही टाइम्स इजाफा हो जाता है जितने टाइम्स इससे पहले वाले हमने आर्टिकल्स में देखा था कोलम फोर्स में कमी हो जाती है तो एक फैक्टर जो कोलम फोर्स में कमी करने के लिए नीचे वाले फैक्टर यानी डिनोमिनेटर में अपेयर होता था कैपेसिटेंस के लिए वही फैक्टर इजाफा करने की वजह से ऊपर यानी नोमिनेटर में अपेयर होना शुरू हो जाएगा तो अगर कपैसिटे की दोनों प्लेट्स के दरमियान एयर है तो फॉर्मूला एज इट इज ए एफ नॉट ओवर डी और अगर कपेसिटे की दोनों प्लेट्स के दरमियान कोई क्या आ गया कोई मीडियम आ गया कोई डायलेक्टर आ गया तो अब नया फॉर्मूला क्या बन जाएगा एप्सन नॉट एप्सन आर ओवर डी और ये वही एप्सन आ रहा है जो मैंने आपको पहले भी बताया डायरेक्टिव परमिटिविटी या डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कहलाता है और यहां पे आप देख सकते हैं इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा सी मीडियम ओवर सी एयर जो कोलम फोर्स से रिवर्स है कोलम फोर्स का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो एफ एयर ओवर एफ मीडियम होता था सवाल पैदा होता है कि डायलेक्ट्रिक के आखिर ऐसा करता क्या है कि जिससे कैपेसिटेंस में इजाफा हो जाता है तो इसका आंसर इससे अगले वाले आर्टिकल में उसने दिया हुआ इज इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन इन कैपेसिटर जब भी आप चार्ज कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के दरमियान क्या रख देते हैं कोई डायलेक्ट्रिक तो डायलेक्ट्रिक होता है इंसोलेटर इसमें कोई शक नहीं है कि इंसोलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट नहीं करते लेकिन इंसोलेटर्स में एटम एग्जिस्ट करते हैं जो ही आप डायलेक्ट्रिक को चार्ज कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान रखते हैं तो उन एटम्स में क्या पैदा होनी शुरू हो जाती है पोलराइजेशन जिसके नतीजे में एटम्स में क्या पैदा होना शुरू हो जाते हैं डायपोज एटम्स के नेगेटिव चार्जेस का रुख यानी इलेक्ट्रॉन्स का रुख किसकी तरफ हो जाता है पॉजिटिव प्लेट की तरफ और पॉजिटिव चार्जेस का रुख यानी न्यूक्लियाई का रुख किसकी तरफ हो जाता है नेगेटिव प्लेट्स की तरफ और इस तरह से डायलेक्ट्रिक में ड्यू टू पोलराइजेशन क्या बनना शुरू हो जाते हैं डायपोर्स बनने शुरू हो जाते हैं अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड किससे किसकी तरफ है पॉजिटिव से नेगेटिव और की इलेक्ट्रिक फील्ड भी किससे किसकी तरफ है अपने पॉजिटिव से अपने नेगेटिव ई e किसको शो कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कपेस्टिटर ईडी e किसको शो कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डायलेक्ट्रिक दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही रूल फॉलो करने के बावजूद एक दूसरे से क्या है में इसका मतलब डायपोल्स की इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेगी कम करेगी और जब कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक कम होगी तो की प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस भी कम हो जाएगा जब कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान क्या कम हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा तो रिमेंबर द फॉर्मूला सी इक्वल इसका सीधा फायदा किसको पहुंचेगा कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस को capacitance में क्या हो जाएगा? हो जाएगा जाएगा इजाफा लेकिन इस पूरी एक्सरसाइज के दौरान चार्ज क्या रहेगा सेम रहेगा सेम तो ये फिजिकल रीजन है कैपेसिटर की कैपेसिटेंस में इजाफे की जब आप उसकी प्लेट्स के दरमियान मीडियम लेके आ जाती है, वो बात हमने देखनी है, वो है तो के दो कॉम्बिनेशन होते हैं जस्ट लाइक रेजिस्टेंस एंड कॉम्बिनेशन लेकिन फॉर्मूला रेजिस्टेंस से रिवर्स हो जाते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विब्रेंट का पैसिटेंस रेसिप्रोकल का फॉर्मूला फॉलो करती है और पैरल कॉम्बिनेशन में इक्विब्रेंट का पैसिटेंस सिंपल सम का फॉर्मूला फॉलो करती है आपको जो बातें यहां पे याद रखनी है वो क्या याद रखनी है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम रहता है क्या डिवाइड हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस जबकि पैरल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है वोल्टेज सेम रहता है क्या डिवाइड हो जाता है चार्ज और यहां से एक एमसीक्यू का बड़ा अहम रिजल्ट निकलता है जो मैंने यहां पे लिखा भी हुआ है इफ नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आर इन सीरीज अगर मेरे पास एन नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कैसे जुड़े हो सीरीज में जुड़े हों तो उनके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा सी बा एन जबकि सी क्या है हर एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस और एन क्या है नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज और अगर यही एन नंबर ऑफ कैपेसिटर्स मेरे पास कैसे जुड़े हो पैरेलल जुड़े हो तो उनके इक्विवेलेंट का फॉर्मुला क्या होता है सीपीक्स एन सी मैं फिर बोल देता हूं सी क्या है हर एक कैपेसिटर की इंडिविजुअल कैपेसिटेंस और एन क्या है नंबर ऑफ कैपेसिटर्स तो अगर मैं इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दूं तो सीपी ओवर सी किसके बाबर आ जाएगा

तो ये V वोल्टेज इन दोनों कपैसिटेज C1 और C2 में डिवाइड होगा V1 वन एंड वी टू की शक्कर में तो सवाल पैदा होता है V1 कितना होगा वी टू कितना होगा तो याद रखिएगा इसका बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है V1 सवाल पैदा फॉर्मूला है कहां से अब अगर मैंने इस C1 वन का क्रॉस वोल्टेज निकालना हो यानी वी तो वी क्या होगा क्यू बाई सी अब यहां पे बच्चा क्वेश्चन नहीं करता आपने क्यू के साथ वन क्यों नहीं लिखा तो अभी मैंने आपको क्या बताया के सीरीज में चार्ज क्या रहता है सेम रहता है इसका मतलब टोटल चार्ज है जो सेम है और मैं इस की जगह क्या लिख सकता हूं C v. और सीरीज कॉम्बिनेशन रेसिप्रोकर से आता है तो मेरा नहीं यार मुझे प्रूफ करने की जरूरत है तो इसका मतलब सी वन के क्रॉस वोल्टेज क्या होगा सी टू इंटू टोटल वोल्टेज ओवर सम ऑफ बोथ कैपेसिटेंसेस और इसी तरह अगर मैंने C2 के वोल्टेज निकालना यानी V2 निकालना तो वो क्या होगा C1 वन इंटू टोटल वोल्टेज ओवर पास दो कैपेसिटेंस आपस में कैसे लगे हों पैरल में लगे हों तो उनके अक्रॉस नेट वोल्टेज क्या होगा तो पैरल के क्रॉस नेट वोल्टेज क्या होगा देखिए नेट वोल्टेज इज इक्वल टू नेट चार्ज ओवर नेट कैपेसिटेंस और नेट चार्ज क्या है Q1 Q2, तो Q1 की जगह क्या आ जाएगा सी वन वी वन और क्यों टू की जगह क्या आ जाएगा सी टू वी टू और पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दोनों कैपेसिटेंसेस का सिंपल सम होती है सो दिस इज नेट वोल्टेज फॉर कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल इन दिस मैनर बट इफ कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल इन दिस मैनर कि दूसरा कैपेसिटर पहले कैपेसिटर से चार्ज वाइज उल्टा लगा हुआ है तो इस रिलेशन में यहां पे दरम्यान में सिंपली क्या आ जाएगा माइनस साइन आ जाएगा बाकी सारा रिलेशनशिप होगी आज का लास्ट टॉपिक के जिसके बाद कुछ एमसीक्यू डिस्कस करके अपना काम अप करेंगे एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटर जैसा कि अभी आपको बताया कि कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द कैपेसिटर और उस एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला क्या होता है हाफ सीवी स्पेर जबकि इसमें सी क्या है कपैसिट ऑफ द कपेसिटर वी क्या है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर अगर मैं सी की जगह ए एप्सन नॉट एप्सन आर ओवर डी रिप्लेस कर दू कपिट ऑफ द प्लेट कैपेसिटर और अगर मैं इस वी की जगह ई डी रिप्लेस कर दू फील्ड इज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट तो ये एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटर का दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा इसमें ये ये ए ए डी डी क्या है कैपेसिटर कैपेसिटर का का वॉल्यूम वॉल्यूम अगर यानी का का उधर जाके यू से डिवाइड हो जाए तो ये क्या बन जाएगा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम विच इज टिपिकली नोन एज एनर्जी डेंसिटी तो ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला अगेन शायद मैंने यहां पर कोई इतनी नई बात नहीं की सारा आपने अपनी रूटीन की क्लासेस में पढ़ा होगा सिर्फ रिकॉल कराना मकसद था आज के काम को कुछ एमसीक्यूज से वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं फॉर अ कैपेसिटर द द रिलेशन इज इक्वल्स इफ वी हाफ वोल्टेज देन वैल्यू ऑफ विल बिकम अगर आपको अभी याद हो तो कुछ देर पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि सी इज इक्वल टू क्यों ओवर वी में सी क्या है कॉन्स्टेंट यानी आप V को जितना मर्जी चेंज कर लें उससे Q चेंज होगा C पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनफैक्ट V ज्यादा होने से Q ज्यादा होगा V कम होने से क्यों कम होगा जिससे ओवरऑल रेशियो क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी इसका मतलब आप वी को चाहे डबल करें या वी को आप चाहे हाफ करें कैपेसिटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता यानी आपके एमसीक्यू का आंसर क्या आएगा रमेन्स सेम तो आप यहां से देखें मजीद एमसीक्यू निकालने की कोशिश करें इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं क्यू और वी का ग्राफ बनाऊंगा तो दैट विल बी एन इंक्लाइंट स्ट्रेट लाइन विद अ पॉजिटिव स्लोप लेकिन अगर मैं क्यू और सी का ग्राफ बनाऊ या वी और सी का ग्राफ बनाऊ तो दैट विल बी स्ट्रेट लाइन जो क्या शो कर रहा है कि चार्ज के चेंज होने से या वोल्टेज के चेंज होने से कैपेसिटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ा तो आप देख सकते हैं एक एमसीक्यू से चार एमसीक्यू बन गए एक ओरिजिनल एमसीक्यू और तीन ये ग्राफ जो आपसे एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं नेक्स्ट देखिएगा व्हेन वी कनेक्ट थ्री कपेटेंस सी वन सी टू सी थ्री इन सीरीज कॉम्बिनेशन सच दैट सी वन इज ग्रेटर देन देन इफेक्टिव कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट इज सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है रेसिप्रोकल रेसी प्रोकलसम बाईद ये फॉर्मूला रेजिस्टेंस इज पैरेलल में फॉलो कर रही होती है तो जब आप आंसर निकालेंगे तो आंसर तीनों कैपेसिटर्स में लगी हुई सबसे छोटे कैपेसिटर से भी छोटा आएगा आप कोई सी भी वैल्यूज लेके देखने मसलन अगर सी वन है थ्री सी टू है टू और सी थ्री है टू सी थ्री है वन तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का आंसर वन से भी लेस आएगा आपके एस एमसीक्यू का आंसर क्या होगा सी इक्विवेलेंट इज लेस देन सी थ्री लेकिन याद रखिएगा दिस रिजल्ट इज फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन जिसके मुताबिक सी इक्विवेलेंट सी स्मॉलेस्ट सी एस का मतलब सी स्मॉलेस्ट से भी लेस होती है अगर आपके पास पैरल कॉम्बिनेशन हो कि जिसमें सी इक्विवेलेंट तीनों कपेस्टेंसिस का, का या चारों कपेस्टेंसिस का, का या जितनी भी कपेसिटेंसिस उनका सिंपल सम होती है यानी पैरल कॉम्बिनेशन हो तो अब याद रखिएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का आंसर लगी हुई सबसे बड़ी कैपेसिटेंस से भी बड़ा आएगा लार्जेस्ट से भी बड़ा आएगा अब आप देख सकते हैं इसमें भी आपको दो या तीन एमसीक्यूज के रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं एक ओरिजिनल एमसीक्यू अच्छा एक और हिटन रिजल्ट आपको क्या दिखाई दे रहा है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को इफेक्टिव कैपेसिटेंस भी कहते हैं तीसरा रिजल्ट आपको क्या दिखाई दे रहा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए नेट आंसर छोटे से भी छोटा आ जाता है और चौथा रिजल्ट आपको क्या दिखाई दे रहा है कि पैरल कॉम्बिनेशन के लिए नेक्ट आंसर बड़े कैपेसिटर से भी बढ़ा आ जाता है आज का लास्ट एमसीक्यू देखिएगा अ वन माइक्रोफेर कैपेसिटर इज प्लेस्ड इन पैरल विद अ टू कैपेसिटर अक्रॉस अ हंड्रेड वोल्ट सप्लाई टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम इज टोटल चार्ज इज टोटल कैपेसिटेंस इनटू टोटल वोल्टेज टोटल चार्ज आप लोगों ने क्या करना है निकालना है इसलिए मैंने इस पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया टोटल कैपेसिटेंस कौन सा कॉम्बिनेशन है पैरेलल पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैंने क्या बताया सिंपल सम होता है तो ये जो दो कैपेसिटेंस लगे हुए हैं और वन वाले ये सिंपली आपस में क्या हो जाएंगे एड टू प्लस वन इंटू टेन एस टू पावर माइनस सिक्स चूंकि दोनों किस में थे माइक्रोफेरेट में और टोटल वोल्टेज आपने उसको कितना दिया हुआ पूरे सिस्टम को हंड्रेड टू प्लस वन थ्री और ये दो जीरो इन दो जीरो से कैंसिल होके तो टेन एस टू पावर माइनस सिक्स की जगह क्या आएगा टेन एस टू पावर माइनस फोर नॉट वोल्ट बट कोलम लिहाजा थ्री इंटू टेन टू पावर माइनस फोर कोलम आपको किस में दिखाई दे रहा है डेल्टा में और आप माइक्रो कोलम में एक डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते हैं यानी टू प्लस वन थ्री थ्री इंटू हंड्रेड थ्री हंड्रेड और टेन रिस्टू पार माइनस जाएगा माइक्रो तो आंसर विल बी थ्री हंड्रेड माइक्रो कोलम तो थ्री हंड्रेड माइक्रो कोलम को थ्री हंड्रेड माइक्रो कोलम भी लिखा जा सकता है और थ्री इंटू टेन रिस्टू पार माइनस फोर कोलम भी लिखा जा सकता है होपफुली आज का आपको सारा लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आया होगा अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें अल्लाह